भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। कई सारी मेहनत और कई सारे हैशटैग ट्रेंड करने के बाद अब नतीजा निकला है कि एनटीपीसी का डेट आ गई है कि डेट एग्ज़ाम की कब होगी। और डेट की बात हम ये करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि डेट जहाँ भी दी जाती है, आप सब जानते हैं कि पूरे साल के कैलेंडर पहले ही बार में एक बार में फिक्स होकर आ जाता है, पर वो टेंटेटिव डेट्स होती हैं और वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो हमें डेट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें एग्ज़ाम चाहिए और हमें एकदम ठोस प्रतिबद्धता चाहिए। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि एग्जाम की डेट ले लो और जाओ चलो ठीक है। जो ट्रेंडिंग में आजकल हैशटैग चल रहे हैं उन्हें और सपोर्ट करते रहें आगे तक, ताकि ये आपके लिए अच्छा साबित हो। जो लोग पेपर दे रहे हैं वो भी करें, जो नहीं दे रहे वो भी करें, क्योंकि किसी न किसी का हर तरीके से इस चीज़ में संबंध है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने पेपर दे दिया, मेरा तो हो चुका है, मैं ज्वाइनिंग कर चुका, पर आपके किसी भाई का, बहन का या फिर किसी और दोस्त का भी इस चक्र में फंसा हुआ कालचक्र होगा, तो उसके लिए आप इसको करें। और आपको अभी से अवेयर रहना होगा कि हमें सरकार पर नज़र रखनी होगी कि हमारे रिजल्ट जितने भी आते हैं वो पारदर्शिता से आए। ऐसा ना हो कि जैसे 69,000 भर्ती आई थी कि पहले 1.5 साल बाद पेपर, 1 साल बाद पेपर हुआ, पेपर के 2 साल बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिर उसके बाद में फिर ज्वाइनिंग, फिर अलंगा फंस गया और फिर रिटेस्ट की अपील चल रही है। तो ऐसा ना होने पाए, जो भी एग्ज़ाम हो वो एक बार में पुख्ता हो और 6 महीने के अंदर रिजल्ट आए और ज्वाइनिंग हो, सब कुछ हो, ये नहीं कि लॉलीपॉप चल रहा है यहाँ पर। और आप देखते हैं कि SSC में, CGL में या फिर इतने सारे एग्ज़ाम्स में कब एग्ज़ाम होता है, कब रिजल्ट आता है, कब क्या होता है। तैयारी किस बेस पे करे इंसान? तैयारी करने के लिए एक ड्यूरेशन होती है कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल। यहाँ पेपर देने के 2 साल बाद तक रिजल्ट ही नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसमें कुछ धांधली थी, फिर से पेपर होगा। अरे तो करे तो करेगा स्टूडेंट, नई नई स्कीम आती रहती है हमेशा कि आज ये स्कीम है, कल वो स्कीम है, फिर से नई स्कीम है। इन स्कीमों के चक्कर में स्कैम होते रहते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट फंसा रहता है वहाँ पर। अब एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल तौर पे दिल्ली गए मुखर्जी नगर रहने, उसका रूम का किराया कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये उसका जो है वहाँ पर रूम का किराया होगा और खाने खर्चा होगा, और साथ ही मीन्स हर एक प्रतिभागी जो है कम से कम वहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये अपने 1 महीने पर लगाता है और साथ में कोचिंग पढ़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप पेपर की नौबत आती है तो पेपर होता ही नहीं, रिजल्ट नहीं आता, वैकेंसी नहीं आती है। अब वैकेंसी का वेट करते करते उसे 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद जब उसने फॉर्म भरा, उसके बाद उसका रिजल्ट हुआ, पेपर हुआ, तो पेपर के बाद चलेगा, पेपर आउट होगा, फिर से पेपर होगा 2 महीने बाद, अब फिर पेपर हुआ, फिर रिजल्ट का नाम नहीं, फिर ज्वाइनिंग का नाम नहीं, तो बच्चा कब तक ऐसे रुकेगा वहाँ पर, कब तक ऐसी तैयारी करता रहेगा अपनी? तैयारी का मतलब तो होता है एक ऐसे समुद्र में चले गए कि जहाँ पर कोई अंत ही नहीं है, तैयारी करे ही जा रहे हैं, करे जा रहे, क्योंकि पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर हो रहा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट हो रहा तो धांधली हो रही है, उसमें कहीं और का एग्जाम भर नहीं सकता। यूपी में सिर्फ यूपी में क्या है, सबको अलाउ है कि हर कोई भर सकता है, पर एमपी में देख लीजिए अभी आप, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने क्या करा है, सिर्फ एमपी के डोमिसाइल पर्सन ही वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, पर यूपी में क्या है, पूरा इंडिया आता है, सब लोग भरेंगे फॉर्म, वैकेंसी भी कम है, सब लोग फॉर्म भी भरेंगे, नकल भी हो रही है, फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, पर क्या है, चल रहा है सब कुछ। तो ये हैशटैग जो चल रहा है इसे रोकना नहीं है आपको, इसे चलाते रहना है, इसको चलाते रहे ताकि और अच्छे से आगे सफलता मिले।